हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज मैं आपके लिए एक लेके आई हूँ ऑर्गेनाइज़र, जिसको आप कह सकते हैं ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र। आप इयररिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इसमें, और इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। जैसे कि 33 ग्रिड का है ये, तो शॉर्ट सेक्शंस हैं, लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि सेक्शंस बना के क्रिएटेड नहीं दिए गए हैं आपको। सेक्शंस बनाने के लिए सेपरेटर्स दे रखे हैं, तो जिसको भी आप ब्रेक करके जितना बड़ा आप चाहें उतना बड़ा सेक्शन बना सकते हैं, और उसमें अपनी ज्वेलरी, अपनी इयररिंग्स, अपने अगर छोटे से कोई चेन है या इयररिंग्स हैं, इनको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्लिप्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा यूज़फुल प्रोडक्ट है ये, मैं काफ़ी समय से देख रही थी एंड अभी मुझे बहुत अच्छी डील मिली, तो मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेज किया है। आई विल ट्राई टू पुट इट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप देखिए ये सेपरेटर्स दिए हुए हैं, इनको आप ब्रेक कर लीजिए, और ब्रेक करने के हिसाब से जितना लंबा सेक्शन चाहिए आपको, जितना छोटा जितना बड़ा, 2 सेक्शंस का चाहिए, 3 सेक्शंस का चाहिए, उतना है ये, इसमें सेक्शंस हैं, तो आप अपने सेक्शंस क्रिएट कर लीजिए और उसके बाद आप अपने उसमें ज्वेलरी पुट कर सकते हैं। तो वैसे अगर आप छोटे छोटे सेक्शंस लेंगे तो 36 सेक्शंस हैं, लेकिन अगर आप थोड़े बड़े सेक्शंस लेंगे एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, कि इयररिंग्स कभी बड़े भी होते हैं कभी छोटे भी होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने इसमें आपको दिखाया है एक इयररिंग्स पुट करके, मैं लास्ट में एक पिक्चर शो कर दूंगी कि हाउ इट इज़ लुकिंग इन द फाइनल गो। तो ये देखिए, ये मुझे डील में मिले हैं, मुझे 2 बॉक्सेस मिले हैं, बाय वन गेट वन, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। सी, प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।